हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए, हम भी ठीक हैं। इसको कितने चाव चढ़ रहे हैं। कैसे चाव चढ़ रहा तुझे? चूहा पहले तो उठ के बैठ गया। हाँ, सो आज लड्डू कौन आ रहा है? लड्डू आज आपके दादू आएंगे। तो आज फाइनली पापा आ रहे हैं। बस 8:30 बजे उनकी ट्रेन आएगी, 7:45 हो चुके हैं। तो लड्डू फाइनली हैं, मम्मी नहा के आ गई हैं, स्कूल जाएंगे। लड्डू बड़ा, मेरे कैमरा ऑन किया, इतना खुश हुआ। लड्डू को भी ले जाओ। लड्डू जाओ स्कूल, क्या करो, स्कूल जाना है, मुंह देना। जैसे पता ही हो अभी स्कूल का नाम लेती है। हो पीछे 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 लड्डू तो, लड्डू के लिए तो दादू कुछ नहीं लाएंगे भाई, है ना। लड्डू आपने बोला ही नहीं कि दादू मेरे लिए कुछ लाना, बोला ही नहीं ना। देख रहा है मम्मी तैयार होके कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मम्मी? मम्मी कहाँ जा रही है लड्डू? मेरे को भी उतारना था ये अपना लड्डू। अले 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 अले, दादी के पीछे लग रहे थे। देखना, ये देख रहा है, इधर नहीं है अभी तो, दादी इधर ही हैं उधर। हाँ देख, देखो देखो जाने के लिए गिर जाएगा तू। हाँ दादी जा रही हैं, तुझे छोड़ के जा रही हैं। छुट्टी, आपकी छुट्टी लगा दी। पास की पास इतनी लेट। वो देख रहे जूते देख के कितना खुश हुआ। ये लड्डू देख लो, देख लो कहे चढ़ के आया, मेरे पास आया है, अभी लेके जाएंगे। बेटा जब तुझे स्कूल ले जाने लगेंगे ना, तब नहीं तू ऐसे फुर्ती से आएगा। सो गाइस, अभी लवराज गया है सो, और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन का, थोड़ा सा साफ सफाई किचन की कर दूँ और झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ बाकी, क्योंकि ये थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करने देगा। सो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एक तो, और इतने ज़्यादा स्लीपी स्लीपी दिन आ गए हैं। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे है ना कि कितनी गर्मी, गर्मी अभी इतनी शुरू भी नहीं हुई है, बट फिर भी अदरवाइज़ मई तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस बार उतनी गर्मी शायद नहीं फील हो रही है। तो मैं ना मतलब अभी सफाई शुरू कर दी थी मैंने, तो ये जो बेडशीट अभी मैंने उतारी है, ये अभी 2 दिन भी नहीं बिछी थी। जिस दिन बिछाई थी उसी दिन लड्डू ने 4-5 बार सुसु कर दिया था, तो लवराज के मतलब उसने सुसु कर दिया, तो फिर ये सारी बेडशीट में स्मेल आने लग जाती है। फिर अभी मैंने नेक्स्ट डे फिर मैंने ये बेडशीट उतार दी, और उसी से फिर मैंने फटाफट ना थोड़ा सा बेड भी साफ़ कर दिया। आज पापा आ रहे हैं, तो अभी मैंने सोचा कि सो तो पाऊँगी नहीं, अदरवाइज़ मैं 1 घंटा लड्डू के साथ सो लेती उसको सुला के, बट मैंने सोचा कि चलो पहले काम कर लेती हूँ, दिन में देख लेंगे, बाद में सो जाएंगे, दिन में टाइम लगेगा तो, क्योंकि रात को भी सोने नहीं देता है। रात को सही रात पता नहीं क्या करता रहता है, हिलता ही रहता है और कंबल उघाड़ता रहता है, मैं उठाती रहती हूँ। हमारे घर में एक्चुअली ठंडक है, तो इस वजह से थोड़ी सी ऐसे ठंड भी लगती है, अदरवाइज़ बाकी सब लोग तो कूलर भी चलाने लग गए होंगे कुछ लोग तो, बट हमारे पंखा भी 1-2 पे ही चलाते हैं, फिर भी ठंड लगती है। तो मैंने फटाफट से बेडशीट उतार के चेंज की, और फिर मैंने अभी कपड़े वॉश करने डाल दिए। मैंने कहा इतने कपड़े वॉश हो जाएंगे, इतने में थोड़ी साफ़ सफाई भी कर लूँगी। तो मैंने फिर झाड़ू पोछा शुरू कर दिया, झाड़ू लगाने लग गई, और लड्डू सो रहा था, क्योंकि लवराज अभी मुझे पता था कि 1.5 घंटा तो मिनिमम सोएगा ही, बट इसका ये डर रहता है कि बाई चांस मैं कहीं काम करने इधर उधर बाहर चले जाऊँ तो ये क्या करता है, उठते ही सो के उठता है ना, उठते ही बैठता है, बैठ के फिर चलने लग जाता है, इसका गिरने का डर रहता है। 2 बार बेड से गिर चुका है ये, बट चलो कुछ अभी भगवान की कृपा से कुछ मेजर नहीं हुआ, बट डर रहता है बच्चे का गिरने का, गिर जाए और उसके कुछ ऐसी चोट ना लगे कि इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम हो बच्चे को, इस वजह से डर रहता है हमें। तो सारा काम देखो फिर भी जैसे तैसे करना ही पड़ता है ना, नहीं तो सारा दिन ऐसे बैठे रहूँ मैं तो लड्डू को ही लेके,
बट क्योंकि काम भी जरूरी है, और तो पता है कि है ना कि कोई नहीं पॉसिबल कोई और करे आके, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि काम वाली लगवा लो, काम वाली भाई अभी यहाँ नहीं पॉसिबल है तो नहीं लगवा पा रहे हैं। मेरा कौन सा मन नहीं करता कि हाँ काम वाली लगवा ले और मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, मन तो मेरा भी करता है बट मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ। तो देखो मजबूरी में हमें करना ही पड़ता है। और अभी झाड़ू पोछा झाड़ू झूड़ू लगा के फटाफट से मैंने सोचा कि चलो पोछा लगा लेती हूँ। पहले ना हम स्टैंडिंग वाला पोछा ही लगाते थे, और बट वो पोछा ना एक टाइम के बाद, अभी तो खैर जब मैं अहमदाबाद में थी तभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये ऑनलाइन मतलब सॉरी स्टैंडिंग वाला नया, बट वो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ही मेरे यहाँ आने के बाद तो 3 पोछे चेंज हो गए। गंदा 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 मारने लग जाता है पोछा, वो छपने से लग जाती है लाइनें। तो फिर मैंने सोचा आजकल कि मैं अब हाथ वाला पोछा ही मारूंगी, साथ ही में मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी, अदरवाइज़ वैसे तो हम ऐसे बैठ के करते नहीं है कोई काम ना, तो साथ ही में पोछा भी साफ लग जाएगा। तो फिर मैंने ये हाथ वाला पोछा मारना अभी कुछ दिनों से शुरू किया है, और अभी पोछा लगाने के बाद अभी फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, पापा आ गए हैं। वो रहा पापा का कुछ सामान, शायद कुछ सामान रह गया था तो पापा गए हैं लेने के लिए। और लवराज सो रहा है, लवराज के दांत जब आए लवराज सो गया। और मीन वाइल मैंने अपना साफ़ सफाई का काम कर लिया है, कपड़े वॉश हो रहे हैं, बस वो भी सुखा दूंगी। लगभग लगभग इसके सोते सोते मेरा थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर खाना वगैरह रोटी वगैरह सेकनी है वो सेक लूँगी। तो चलो पापा आते हैं, फिर लवराज उठता है तो मिलवाती हूँ आपसे। तो हमारे लड्डू की गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग लड्डू, हाय 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 हाय। लड्डू के दादू अभी मिले ही नहीं। लड्डू को पता है आपको दादू आ गए। चलो अभी मिलेंगे, ठीक है। लड्डू बाहर देखो कौन है, बाहर कौन है, सामान चेक कर लिया हो तो बाहर देखो कौन है। लड्डू कौन है, कौन है? लड्डू की स्माइल देखो, स्माइल देखो, कौन है लड्डू, कौन है, कौन है, कौन है वो? अरे हेलो, अरे कौन है? देखो स्माइल अरे क्या हाल देखो, है। गुड मॉर्निंग हो गई लड्डू की। आ जा, पहचाना दादू धीरे धीरे आ रहा है, डरा डरा लड्डू भूल गया। ले पहचाने नहीं दादू पानी। सो लवराज गया अपने दादू के साथ बाहर घूमने, और मैं खा रही हूँ अपना खाना दलिया। वैसे तो हमने पनीर की सब्जी बनाई है, क्योंकि रात को 2.5 लीटर दूध हमारा एज इट इज फट गया था। मतलब 2.5 लीटर जो दूध देते हैं वो एज इट इज पतीला रखा था, पता नहीं लेट रखा फ्रिज में हमने परसों, तो वो फट गया कल रात को गर्म करने लगे जब। तो उसका फिर मैंने बना दिया पनीर, बहुत अच्छा पनीर बना था। तो उसकी सब सुबह मैंने सब्जी बनाई, और ये रात को लड्डू के लिए दलिया बनाया था। लड्डू तो खाता नहीं है, इतना सा खाता है बच जाता है, फिर सुबह मैं खुद गर्म करके दूध डाल के खा रही हूँ। तो चलो मैं खाती हूँ, फिर पापा आ जाएंगे, उनकी रोटी बनाऊंगी। खा लो खाना, खा लो, डोली को खिला दो, फिर डोली खा ले, डोली को खिलाओ, लस्सी पी ले, डोली ले खा ले। लस्सी पियो, गुड बॉय, थोड़ी सी मुंह लगाता है बस। डोली को पिला देंगे हम, पिला दो डोली को। ओ दादी आई, दादी की देख पीछे 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 पीछे। और आज तो चाव नहीं पूरा हो रहा, बार बार पापा को कहे उठा लो रोटी भी नहीं खाई ढंग से। ना ना रोटी चलो अनबॉक्सिंग। क्या है इसमें, आम का डब्बा ही दिख रहा है मुझे तो। मुझे तो डब्बा ही दिख रहा है। हाँ मुझे भी डब्बा, अभी बताया पापा ने कि आम है। लग रहा है सोते हुए खुला नहीं। एक सेकंड, रही यात्रा टूर का सारा। चलो लड्डू अनबॉक्सिंग करो। इसको काटेंगे, काटेंगे। ओह नहीं, चक्कू नहीं पकड़ते बेटा। मैंगो लो, मैंगो मैंगो खोलो, मैंगो खड़ा देखना, खड़ा देखना। अच्छे काटते हैं ये, काटने के लिए लेने के लिए नहीं, बच्चों का
इधर से मम्मी, इधर से ये हाँ ऐसे शायद ऐसे खुलेगा ना डब्बा। हाँ खुलेगा, ये कर देते हैं। हाँ यहाँ से बस खुल गया। हाँ ये साइड में लग रही है। अच्छा ये नहीं नहीं ये लग रही है नीचे, वो तो पकड़ने के लिए सपोर्ट थी। हाँ थोड़ा जोर से एकदम से मारते, वो देखना थड़ थड़प रहा है। मुझे ले लो गोदी में, मुझे लो पहले। इसको खोले लड्डू। ये अच्छा, ये वहां दवा छोड़ा होगा, ये केसरी आम है। अच्छा हाथ दे, उन्हीं को वही में ला रखे थे। अच्छा कौन पापा कहते हैं यहाँ नहीं मिलते ये। लवराज खाए के जल्दी जल्दी। लवराज ने अभी मैंगो खाया है। अच्छा लवराज को लाए दादी के लिए गिफ्ट आया। लड्डू देखो, ओ चक्कू छाड़ मम्मी लगवा ले। खोले खोले लड्डू, गंदा बच्चा है। हप हप, ओ तसल्ली नहीं हो रही लड्डू से भी देखने के लिए। लड्डू उत्सुकता से देख रहे हैं क्या निकलने वाला है इसमें से। देखो जादू का पिटारा खोल दिया लवराज। लगवा लेगा। देखो इसमें क्या क्या है लवराज, बाबा क्या क्या लिया आया। अरे सबसे पहले तो बाबा कढ़ाई लाए होंगे, उनकी कढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी, वो स्टील वाली ना जो। अरे ये सबसे जरूरी कुकर है ना, स्टील का कुकर तो महंगा ही आना था। फ्राई पैन यहाँ खूब गया। फ्राई पैन कितना भारी है, ले पकड़ देखा, पकड़ के दिखा। ओ लड्डू से पकड़ा ही नहीं गया। चाय बन रही थी। ये देखो ये सबसे बढ़िया चीज है, अच्छी कढ़ाई। कढ़ाई को लड्डू के मुंह पे लगी। कढ़ाई है तेरे लिए, तेरे लिए ही आई है, तेरे लिए ही है। कुत्ती कह दो कढ़ाई अच्छी है। ये नीलम ये जो अपना वो है ना सिंक। अच्छा अच्छा सिंक की जा ली है, इसके लिए है। चाय चलनी लगी थी, डर दे रख दे तो वो जाता नहीं है। उड़ने वाली सिचुएशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। ये सही है बल्कि। और इसमें क्या है, सॉस पैन, चाय बनाने का फ्राई पैन। ले भाई लवराज मैं तू चाय ना, सारी अनबॉक्सिंग हो गई। अरे लवराज देखो सही मेरा फ्राई पैन, सॉस पैन। देखो चाय बनाएंगे इसमें, ये आपसे उठेगा नहीं, इतना है ये। सो गाइस हम रेडी हैं जाने के लिए शादी में, तो शादी में जाके मिलती हूँ आपसे। तो ये साड़ी पहनी है मैंने और बाकी वहाँ पे जाके मिलते हैं। सो गाइज आज गाड़ी चला के जा रही हूँ, बस होपफुली सेफली अच्छे से चले जाएं और आ जाएं, क्योंकि मैं पहली बार गाड़ी लेके निकल रही हूँ, तो विद्यार्थी और रोके बस होपफुली फिंगर क्रॉस्ड अच्छे से जाएं और अच्छे से आ जाएं। गाइस कल रात को शादी में गए थे हम, बहुत मुश्किल से पहुंचे। एक्चुअली खेतों में जाके था रास्ता और हम जो पहला कट था वो मिस करके अगले कट में चले गए। एक्चुअली लिटरली खेत में से था रास्ता, तो अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो हम आगे जाके फंस गए थे। गाड़ी बैक नहीं आ सकती थी, तो वो जो सरसों के डंडे से होते ना खड़े, मतलब कटने के बाद जो खड़े रह जाते वो थे, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहाँ से घुमाई और बिल्कुल वीराना था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई उसकी। उसके बाद फिर हम पहुँचे थे शादी में, तो शादी की बनाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की टॉर्च ऑन करके पापा देख रहे थे कि कैसा रास्ता है क्या है,
अदरवाइज वीडियो बनाती, बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल एक्सपीरियंस था मेरा तो। बट होपफुली हम शादी में पहुंच गए थे, फिर वापस आने का रास्ता तो हमें पता चल ही गया था, तो हम वापस आ गए। और कल रात को तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं कहाँ आके फंस गए, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे तो थोड़ा सा और फील हो रहा था कि गाड़ी लेके तो निकल लिए हैं। बट अच्छा एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अच्छा है कि रफ टफ हो रास्ते में फंसे और निकलने का एक्सपीरियंस भी हो गया। फिर घर आके लड्डू को बहुत मुश्किल से सुलाया, 12:30 बज गए थे, लड्डू सो ही नहीं रहा था, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो आज की वीडियो आपका, आज का ब्लॉग भी कंटिन्यू है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।